ना पाकिस्तान जाने के लिए पहली शॉपिंग करवा दी है। अभी बेगम ने ये लिया पूरा है ना? हाँ पूरा पूरा। यही तो आके आप फंसे हो कि जा ही नहीं सकते। मैंने कपड़े धोए और ड्रायर में डाल दिए हैं। ड्रायर में डाल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम न्यू व्लॉग। चाल चाल ठीक ठाक। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। भाई सब जिस टाइम मेरे गाले से पट्टा देखो इन समझो मसी बाहर निकलते पे हैं। आप लोगों ने ये वो गलत नहीं समझना, सही सही समझना है। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं और बेगम की कुछ तबीयत से बेहद ठीक है। नहीं, ये नहीं, मेरे पीछे जाके होनी है। अच्छा जी, तो ना मैं जरा इनसे ना मैं जरा आपको इनको थोड़ी सी ना कुछ शॉपिंग शॉपिंग करवा देता हूँ ना, ये शायद खुश हो जाएंगी। तो चलते हैं, आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। और आज क्या चीज़ें हम खरीदते हैं, कुछ घर के लिए चीज़ें खरीदनी है। आटा शाटा ये भी ख़त्म हो चुका है, वो भी लेना है। कोई घीसी भी लेना है, कोई सामान और भी लेना है। तो इनको थोड़ी सी शॉपिंग शॉपिंग थोड़ी सी करवाते हैं। ज़्यादा पैसे नहीं है यहाँ पे ना, ख़त्म भी ना हो जाए बिल्कुल। चलें जी फिर, बच्चे भी रेडी हैं। पट्टा एक मेरे गाल होता है, एक बेगम के गाल पट्टा होता है। पर्स कैसा है? अच्छा है, अच्छा है ना। शूज भी बहुत अच्छे हैं। आपने गलती की, आपने नहीं लिया। नहीं, आप हमेशा कहते मैं ऊंची दुकान से लूंगा। चलो दुकान में ये रहे, मैं हूँ ना, मैं ले लूंगा। तो देख तो सही, बेगम बच्चे आगे आगे हैं। भाई साहब बड़ी काली काली बनी जाती है। क्या कह रहे हो? मैं बड़ी काली काली बनी जाती है। चलते चलते घर पहुंच, यही तो मुमकिन नहीं है। यही तो आके आप फंसे हो कि जा ही नहीं सकते। ये देखो, चलो अपने घर की छत पे नहीं गई। हाँ ये तो है। कितने का? 70,000 है। बेगम तो यहाँ पे ना किचन के बर्तनों को चिपक गई है, क्या कहती हो? ये ना इसकी सील है ऊपर। ये देखो, अब लेना है। अच्छा, मैंने कहा मूड दे रहे हैं, मैं तो तेन शॉपिंग करा के गाल छोड़ना है। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ना सस्ती आपको मिल जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी मिलती हैं, खाना पीना तो बड़ा ही महंगा है। मैं कोई शाल्टी देख लूँ यार। उन्होंने ने इनको ये दिखाया कि मैंने कहा ना लॉन्गो, कहती देखिए बहन जैसा देश होता है वैसा भेस बना के रहते हैं, यहाँ ये चलता है, ये ना इसके साथ है। असल में ना हमने ना ये शर्ट देखी तो इसके अंदर से निकला है। तो मैंने तो ट्राउजर समझा है ना। हाँ आपने तो ट्राउजर समझा, लॉन्ग होगा। हम सब कहते हैं ओ। अभी बेगम ने ये लिया पूरा है ना? पूरा है। अब हमने लंबे वाला लिया है, पहले हमने लिया था। कैसी लग रही है? सही, आप तो इसमें अच्छे लग रहे हो। पीछे मुंह करो, पतले स्मार्ट से पहनोगे? मैंने तो तुक्के पे लिए और इन्होंने ना पहन पहन के सीधे खड़े हो, अकड़ के ऐसे पीछे की यूं करके खड़े होते हैं, पेट पीछे करके। इसमें आप बहुत ही सुखड़े वैसे लग रहे हो, कंधे भी इकट्ठे हैं। वो वाली पहनो, एक और जो दिखाई थी आपको मैंने, वो जिसके चेक बना हुआ था। भाई साहब ना ये एक चीज पड़ी है ऐसे ना पानी में, ये आप लोगों ने बतानी है क्या चीज है। हमने बड़ी देर से हर बार आते हैं, इसको देखते हैं फिर खरीदते नहीं है। ये है क्या चीज? यहाँ पे कोई लिखा हुआ भी है इसकी प्राइस। जी आज आपने शॉपिंग की है तकरीबन तकरीबन कितनी की है? 11,000 की।
ये 11.5 हजार की सर शरीफ टमाटर से पैक है, ये शरीफ है, ये उतने ही शरीफ है। हाँ जी, सेब लिए 4 और ये 260 रुपए के, और ये वाला जो है ना टोटल है 140 रुपए का। ये सबाई ही, ये चिकन भी है कुछ, और ये दूध है, और ये आटा है, और ये कपड़े। खाओ पापा, ये देखिए जी। हाँ, मैंने भी 2 शर्टें ले ही ली हैं, ना चाहते चाहते भी। ये इनकी एक शर्ट नीली है तो मेरे पास अब बहुत हो गई। ये भी नीली है, ये भी नीली है, ये सब प्रिंट चेंज है। हाँ चलो जी, ये मिली है हमें जी, कोई कितने की मिली है, एक 1500 रुपए की है, और ये भी तकरीबन कोई 1300-1400 रुपए की है, 1300 रुपए की। और ये ली है बेगम ने एक ट्राउजर, लाइट ग्रीन, ये डार्क ग्रीन, डार्क ऑलिव कलर कह लेना। हाँ, ग्रीन हम तो ग्रीन बोलेंगे, इजी रहेगा। ये इसके साथ की एक शर्ट है, छोटी बहुत शर्ट मेरी तो इतनी आ रही है ना, इनकी यहाँ तक आती है, तो हमने कहा पहले चेक कर लेते हैं, वहाँ ना ट्राई रूम ऐसा बना हुआ था, मेल ही चेक कर सकते हैं, फिर ये चेक कर लेंगे। और इनकी प्राइस हाँ बस ये 1200-1300 इसको मैं साइड पे रखती हूँ। और तो सवर कहते हैं ये आपकी मैंने ना पाकिस्तान जाने के लिए पहली शॉपिंग करवा दी है, तो मैं उनको बताती हूँ इतनी सी शॉपिंग तो मैं नहीं ले जाने वाली। अस्सलामुअलैकुम, तो जी सुबह सुबह का टाइम है और ये जा रहे हैं सारे स्वीट, ये वो पहन के ना मुझे वो मशहूर ड्रेस है स्विमिंग पूल का, ये साथ लेके जा रहे हैं, अभी ये वो उसी ड्रेस में आपको नजर आएंगे आने जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। ओम भाई, मेरी तबीयत अभी नहीं ठीक हुई और आप लोग पता नहीं बर्दाश्त कर पाओगे कि नहीं, नहीं होता, बड़ा खुश है। इधर से क्या नजर आता है, सिटी है सारा, ये सारा ये कूलिंग का सिस्टम है। मुझे तो बच्चों से ज्यादा बच्चों के पापा लग रहे हैं खुश। हाँ, वहां से जाएंगे हीरोइन की तरह उतरते हुए। शेरी को देखो, हवा भी ठंडी चल रही है, बच्चे बीमार हुए ना, फिर देख लेना। शेरी इधर आओ, ये खाली पड़ी है ना जगह, ये देखो अपने कपड़े रख दो, शर्ट उतार के। हां कर दो, ये तो है नहीं सही है ये, नहीं इसको रखो, शर्ट समेत नहा लो, नहा लो, नहीं नहीं सारा दिन मत लो, मैं धो दूंगी, दे दो इसको, निकर पहन के ही वापस आ जाएगा। बहुत ठंड है, इधर से कह रहे जाओ, इनके तो कोई मायूसी हो गई है इनको। मैं देखो गहरा कितना है, उधर से थोड़ा है गहरा, वो छोटा है बच्चों के लिए, वहाँ चले जाओ शेरी।
करो। इन्होंने कई दिनों से सर खाया हुआ था, हमने नहाने अब ठंडा पानी देख के मस्त हो गई है। अब्बा जान ये आके बैठ गए ऊपर और बच्चे नीचे नहीं उतर रहे, बच्चे उतर रहे। वो बाबा किधर लेके जा रहा है, डूबता है। जुरेर दादा खुश है, शेरी सिर्फ पानी गोड़े अंदर, शेरी को पकड़ के ये नहीं नहीं हाँ चल चला जा, शेरी को पकड़ो, उधर ना चले जाना गिर जाओगे। ये गहरा है, शेरी को पकड़ो, डुबकियां ना देना, कानों में पानी चला जाएगा। अब उसको सर्दी लग रही है, आराम से भागना नहीं है, यहाँ पे स्लिप हो गए, स्लिप हो गए यहाँ पे। ठंडा हम सील मछली की तरह पीते अभी इनको तो भी नहीं है, नहीं स्विमिंग करो, रोता है रोता नहीं है, मतलब डूब गया, मतलब हाथ भी नहीं मार रहा है। क्यों बड़े छोटे को करवाओ, डूब गया, हाँ डूब गया। भाई बंदा होता ना, मैं हाथ मारता हूँ तो पकड़ने के लिए, वहां लगा के आओ, वो जैसे बच्चे तैर रहे हैं उधर, आप छोड़ के आओ इनको, इसको पकड़ के करो, हाँ उधर जाओ। वो शेरी चला गया, शेरी अंदर चले जाओ, बस जवान की बस जबान चलती है, बाकी कोई नहीं जान। नहीं आता उधर, चला जा जा शहरी है, ऊपर से चला जा, बेगम आ जाता है। मैं तो नहीं आती, खट ला ना, मैं इस गंदे पानी में नहीं नहाती। मुंह बंद रखते हैं। मेरे ख्याल में इनकी हो गई है बस, अभी घर जाके भी नहाना है। हाँ नहाना, ठंड लग के हाथ देखो मेरे सारे बुढ़े हो गए। हाँ ये ठंडा पानी बहुत है, इसे गर्म करना चाहिए। हाँ वही बात, और शेरी वहाँ नहा रहे हैं उधर। अभी हो गया है नाश्ते का टाइम, नाश्ता बना लेती हूँ, चाय मैंने बना ली है क्योंकि इनको ना सर्दी भी बड़ी लग गई है।
और मेरी अपनी तबीयत ना मुझे खुद ठंड लगती है, जरा सा बाहर निकलूं तो ठंड लगने लग जाती है। हाथ धो के भाई सब हम आ चुके हैं और भाई सब सीधे आके डटे हैं नाश्ते थे, नाश्ता करना है। पराठे बन रहे हैं, चिट्टे चिट्टे पराठे हैं भाई साहब। हाय हाय हाय, दाल रात वाली पड़ी है और चाय भी बन गई है। मैंने कहा चाय गरम गरम होनी चाहिए ना, फिर ज्यादा जरूरत। हाँ नहीं नहीं, अभी चाय गरम होनी चाहिए, अभी हम नहा के आए हैं तो भाई सब ठंड ठंडा पानी बड़ा था तो ठंडे हो गए, बिल्कुल यख ही हो गए। ये सेक इसको लग रहा है, इसको ऊपर रख दो भाई। सब पराठे तो आ चुके हैं और अभी सालन गरम हो रहा है हमारा। बर्तन धो के वॉश करके ना मैंने यहाँ रख दिए हैं और अभी शेल्फ साफ करने की बारी है, क्योंकि इस पे ना चींटियां बहुत आ जाती हैं, यहाँ की चींटियां बहुत मोटी हैं। ये डस्टबिन भी भर गया है और ये भी खाली करना है। इधर करीब ही गार्बेज रूम है, उसमें जुरैद इधर आओ, ये निकालो, क्या ये शॉपर, इसको देती हूँ, इसके साथ जाती हूँ, फेंक के आते हैं ध्यान से काबू करके। आ जाओ, बिल्कुल इसमें गत्ते डब्बे और इस तरह की चीजें हैं। पहन लो शूज, वो चप्पल पहन लो अपनी, ये और मैं फेंकने जा रहे हैं, फिर आके बाकी सफाई करनी है। कपड़े भी हैं जो इन्होंने गीले किए हैं वो भी धोने हैं। लास्ट पे है ना गार्बेज रूम, चलो अच्छा जी। यहाँ ये बड़ी सहूलत है कि भाई आप अपना, उन्होंने गार्बेज रूम बनाया है वहाँ पे और साथ में ये ब्लैक शॉपर दे देते हैं। आप 3 दिन के लेने हैं, हफ्ते का लेना है तो हफ्ते के हिसाब से एक शापर डेली का होता है। आप आराम से डस्टबिन में लगाएं और जब भर जाए तो उस गार्बेज रूम में रख के जाना है, नहीं तो ये फाइन होता है। इधर नीचे है, हाँ इधर है, ये यहाँ रख लो। रात को भरा पड़ा था ना, आज खाली हो गया। हम पहुंच गए हैं, ये टॉवल भी धूप में डालने हैं, सारे गीले हुए पड़े हैं, ये सारा सामान सेट करना है। शॉपर निकालो, बस ये आखिरी आज, हाँ आज मांगना है ना उससे, और बेडशीट वगैरह भी लेनी है। ये लगाओ, ये बड़े वाला, ये इतने ही है सारे, लगा भी दो। अभी मैं ये सारा सामान सेट कर लेती हूँ। अच्छा जी, अभी थोड़ी सी सफाई करते हैं अपने अपार्टमेंट की। 2 दिन हो गए सफाई नहीं की, और कल की थी, कल की थी। आज बेडशीट चेंज करवानी है, लड़के को फोन करो। हाँ फोन लेता आएगा, डबल बेड की और सिंगल बेड की, ठीक है ना, और ये वाली फिर लेता जाएगा। चलो ये भी सही है, बेडशीट वगैरह ये सारा ने चेंज करते हैं, टॉवल भी चेंज करवाते हैं। हाँ टॉवल गीले वाले दे देना, उसको कहना कि 2 टॉवल दे देगा। चलो ये भी सही है, तो ये करवाते हैं ना, चूंकि हाँ वही ना, सफाई सफुई तो सही तरह हो जाए ना, जरा एक दफा कपड़े हो गए हैं, चादरें को 3-4 दिन तो हो गए। हाँ। 4 दिन हो गए। हाँ। मैंने भाई साहब को कह दिया कि बेडशीट और ना टॉवल चेंज कर दो, तो उसने कहा जी ओके, इज इट ओके टू डू दैट अराउंड 4 PM सिंस राइट नाउ ऑल स्टाफ आर क्लीनिंग फॉर चेक इन टाइम। ओके ओके, मैंने कहा ओके, तो तब तक हम नीचे की सफाई सफाई कर लेते हैं। 4 बजे वो कह रहा है कि आगे ना, मैंने वो लड़के आएंगे ना तो चेक इन टाइम होता है उस वक्त ना, ये सारी आपकी ना कर देंगे, चीज़ें चेंज करके दे देंगे, तो 4 बजे आकर ना ये चेंज चेंज करवा लेते हैं। और टॉवल भी यूज़ हो चुके हैं सारे ना एक दफ़ा, और बेडशीट भी काफ़ी गंदी हो चुकी है, बात बच्चे हैं हम में तो ख़राब तो होती हैं ना, तो हमें सहूलत दस्तियाब भी है तो हम सहूलत का फ़ायदा भी लें, क्यों नहीं। हाँ तो हमें फ़ायदा भी होना चाहिए इसका ना, खैर अभी सुकून आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे ना, फिर से नई जगह चेंज करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जब 1-2 दिन गुजरते हैं तो थोड़े से हालात नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। मैंने कपड़े धोए और ड्रायर में डाल दिए, ड्रायर में डाल दिए, शॉवर में डाल दिए, ड्रायर बड़े खड़े हो। मैंने ना कपड़े धोए तो पूरी तरह निचोड़े नहीं जाते, ये फिर आते हैं कपड़े निचोड़ते हैं ड्रायर के तौर पे,
और भाई साहब पता क्या ना, ये ना असल में ना हम ना लॉटरी वाले से धुलवाए थे ना, तो हमें ना बिल्कुल नहीं, बनियाने कितनी मैंने परसों धोई है, कितनी चमक गई है, हाँ खुशबू आने लगी थी, वो ना साफ नहीं होते थे बिल्कुल ही, कैसे धोते हैं वो कार है, तो हमें तो आपको पता जरा हम है और अपने तरीके कार वाले पेंडू किस्म के, पेंडू किस्म के बंदे हैं, जब तक अच्छी तरह ना धोए गुजारा नहीं हमारा, सुकून हाँ। तो खैर अब मैंने धोए सर्फ लगा के ना, वो धो के दिए इन्होंने, फिर ड्राई किए, चल मैंने आपको ड्राई करके दूं, हाँ चलो मैं हैंगर ले आऊं।